जादुई सीताफल। श्रृंगारपुर नामक गांव में मोतीलाल और उसकी पत्नी माधुरी और बेटा आलोक रहते थे। उन तीनों के ऊपर गरीबी की मार पहले से ही पड़ रही थी और एक महामारी से बेटे आलोक ने खटिया पकड़ ली। मोतीलाल ने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया लेकिन दवा का कोई असर नहीं दिखा। दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित हो गए। माधुरी, अब तो हमारे दोनों खेत गिरवी रखकर भी जो पैसे मिले थे वो भी समाप्त होने वाले हैं। अभी आलोक के इलाज में बहुत खर्च आएगा। सुनिए जी, मेरे गहने बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे बेटे का इलाज कराएंगे। हमारे लाल के सामने खेती बाड़ी गहने धन संपत्ति का बड़ा महत्व नहीं है। बेटे के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। भगवान बस इसे ठीक कर दे और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दे, चाहे उसका दुख मुझे दे दे। इतना कहते ही मोतीलाल को चक्कर आ गया, वह जमीन पर गिर गया। माधुरी उसे उठाने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? उठिए, क्या हो गया आपको? आपका शरीर तो बहुत गर्म हो गया है, बुखार आ गया है। चलिए खटिया पर लेट जाइए। एक तरफ बेटा बीमार और दूसरी तरफ पति का ये हाल। मोतीलाल और आलोक दोनों का इलाज चलने लगा। अकेली माधुरी पति और बेटे की बीमारी से परेशान होती रही। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब पति और बेटे का इलाज कैसे कराए। माधुरी जी, देखिए, आपके पति और बेटे दोनों की हालत बहुत खराब है। इनकी स्थिति नाजुक होती जा रही है, आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए। माधुरी ने अपने सारे गहने बेच दिए और भाई की मदद से पति और बेटे को लेकर बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो माधुरी बहुत हताश हो गई। वह हॉस्पिटल से बाहर निकलकर रोने लगी। बिना कुछ सोचे समझे अकेली पागलों की तरह चली जा रही थी। रास्ते में माधुरी को एक कुटिया दिखाई पड़ी। उसमें से एक नेत्रहीन साधु महात्मा बाहर आए। बिटिया, मुझे पास के मंदिर तक छोड़ दो। ठीक है महाराज, चलिए मेरे साथ। माधुरी की आंखों से बहने वाले आंसू साधु महात्मा के चरणों पर गिर पड़े। बिटिया, तुम किसी बड़े दुख से ग्रसित हो, मुझे बताओ क्या तकलीफ है? महाराज, आपको कैसे ज्ञात हुआ? बिटिया, तुम्हारी आवाज में पहले से ही दर्द झलक रहा था और इसके बाद तुम्हारे आंसू मेरे पैरों पर गिरे थे, तब मैं समझ गया था कि कोई बड़े दुख ने तुम्हें परेशान कर दिया है। महाराज, मेरे पति और पुत्र दोनों गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका इलाज चल रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। साधु महाराज ने अपने झोले से एक फल निकाला और माधुरी को दे दिया। ये सीता फल है बेटा, इसे ले जाओ, अपने पति और बेटे को खिला देना, ईश्वर की कृपा से ठीक हो जाएंगे। इसके बीज अपने घर के पास बो देना। माधुरी ने साधु महाराज को मंदिर पहुंचाया और सीताफल लेकर अपने पति और पुत्र के पास अस्पताल पहुंच गई। उसने अपने पति को फल खिलाया और जब बेटे को खिलाने गई तो डॉक्टर ने रोक लिया। देखिए, आप मरीज को कुछ नहीं खिलाएंगे, उनकी हालत बहुत गंभीर है। हम इन्हें ग्लूकोज के साथ अन्य दवाएं दे रहे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की बाहरी चीज नहीं खिलानी है। ये फल मुझे दे दीजिए। डॉक्टर ने वह सीताफल लेकर कचरा पेटी में डाल दिया। अचानक डॉक्टर को चक्कर आने लगे और वह गिरकर वहीं बेहोश हो गया। अब उसे इलाज की जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ माधुरी का पति मोतीलाल भला चंगा हो गया, लेकिन बेटे आलोक की तबीयत उसमें कोई सुधार नहीं आया। माधुरी ने सारी हकीकत मोतीलाल को बता दी। माधुरी, मुझे साधु महात्मा के पास ले चलो, काश वो सीताफल मैंने ना खाया होता बल्कि वही मेरे बेटे को खिलाया गया होता तो आज वो ठीक हो गया होता। चलो जल्दी करो, मुझे वो फल अपने बेटे को खिलाना है। माधुरी अपने पति के साथ साधु महाराज की कुटिया पर पहुंच गई। कुटिया से एक दूसरे साधु महात्मा के शिष्य बाहर आए। साधु महाराज अंदर हैं? महाराज तो अंदर नहीं हैं। कहाँ चले गए? वो तो केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए चले गए हैं, 6 महीने के बाद ही वापस आएंगे। माधुरी और मोतीलाल यह सुनकर अवाक रह गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हम तो बड़े आशा के साथ आए थे लेकिन अब भगवान जाने क्या होगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या बात है, साफ साफ बताइए। साधु महाराज ने एक जादुई सीताफल दिया था, मैंने वह सीताफल इन्हें खिलाया तो इनकी गंभीर बीमारी भाग गई। बेटे को खिलाने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया और उसे फेंक दिया। मेरा बेटा अब भी गंभीर रूप से बीमार है। हम साधु महाराज से दूसरा फल लेने की इच्छा से आए हैं। अरे रे 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 रे, आप लोग आधे घंटे देर से आए, वरना मुलाकात हो जाती।
अफसोस है। हे भगवान, अब क्या होगा? माधुरी और मोतीलाल दोनों निराशा के सागर में डूब गए। अब दोनों के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वे दोनों सर लटकाए वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। वे लोग चलते चलते हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले थे कि अचानक माधुरी ने तेजी से मोतीलाल के हाथ दबा दिए। अरे, ये सरे बाजार क्या कर रही हो? अरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। वो देखो, साधु महाराज सामने खड़े हैं। माधुरी दौड़कर साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। उसने सारा हाल कह सुनाया। साधु महाराज ने झोले में हाथ डाला और फिर एक सीताफल निकाला। ये लीजिए, अपने बेटे और उस डॉक्टर को भी खिला दीजिए। दोनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए। सीताफल का एक एक टुकड़ा आलोक बेटा और डॉक्टर को खिला दिया। दोनों ही सीताफल के जादुई प्रभाव से तुरंत स्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने मोतीलाल और माधुरी को प्रणाम किया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। मोतीलाल और माधुरी अपने बेटे को स्वस्थ पाकर धन्य हो गए। उन्होंने जादुई सीताफल के बीज को अपने घर के पास लगा दिया और आगे चलकर वह बहुत बड़ा वृक्ष बन गया और फल देने लगा। उसके फल से लोगों का कल्याण होने लगा। विनोद खेत में काम करके घर लौट रहा था। उसने सेब की बगिया देखी और उस तरफ मुड़ गया। बड़े बड़े ताजे सेब देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वह बाग के अंदर चला गया और सेब तोड़ने वाला ही था कि एक कर्कश आवाज ने उसे रोक दिया। ए लड़के, खबरदार, सेब को हाथ लगाना मत। बाग से बाहर निकल, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके सेब नहीं तोड़ूंगा। बहुत भूख लगी थी, इसीलिए सेब खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है। मेरी भूख ने गुनाह करने के लिए मजबूर कर दिया था। सेब खाना है तो अपनी बगिया का खाओ। काका, मेरा इतना कहाँ नसीब, बगिया तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो एक सेब का पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे बगिया के सेब की तरफ देखना भी मत। हर सेब की कीमत होती है, तू कंगाल क्या समझेगा? चल निकल। विनोद अपने हालात के बारे में सोचने लगा। उसे बहुत दुख हो रहा था, उसका गरीब दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत सेब का टोकरा लेकर बैठी थी। विनोद को देखते ही उसने आवाज दी, बेटा इधर आओ, क्या यह टोकरा मेरे सर पर उठा दोगे? हाँ काकी, अभी उठाता हूँ। विनोद ने देखा बहुत सारे सेब टोकरी में भरे हुए थे, इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी के सेब ज्यादा बिके नहीं हैं। काकी, लगता है आज आपके सेब बिकने से रह गए। हाँ बेटा, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहले कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। लोग बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते, लेकिन मेरे सेब बहुत सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज्यादा होती है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ कम कर सकता हूँ। आपकी यह टोकरी अपने सर पर रख कर आपके घर पहुँचा दूंगा। रहने दो बेटा, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? यह रोज की बात है, कभी थोड़ा भारी बोझ, कभी हल्का बोझ रहता है। मैं तो काकी आपका आज का बोझ अपने ही सर पर लेकर चलूंगा। बूढ़ी काकी मना भी नहीं कर सकी और विनोद ने पूरी टोकरी अपने सर पर उठा ली। दोनों साथ साथ चलने लगे। काकी, आप इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हैं? बेटा, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा। एक जवान बेटा था, वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी जल्दी ही अपने पास बुला ले। बूढ़ी काकी के मुँह से यह सुनकर विनोद की आंखें भर आई। काकी, मैं आज से आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगा। इतना भारी बोझ लेकर चलना आपके लिए हानिकारक है। मैं मुस्टंडा हूँ,
इतना तो कर ही सकता हूँ। विनोद सेब बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, चख कर देखो फिर पैसे दो, लाजवाब लाल लाल सेब ले लो। एक आदमी आया, उसने बहुत सारे सेब खरीद लिए। बूढ़ी काकी का चेहरा खिल उठा। बातें करते करते बूढ़ी काकी का घर आ गया और विनोद ने टोकरी उसके घर के अंदर रख दिया और बाहर आने लगा। रुक जाओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम विनोद है, लोग बीनू बुनिया कुछ भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी काकी ने दो सेब विनोद के हाथ पर रख दिए। बेटा खा लो, बड़ी मेहनत की है तुमने। काकी, मैं एक सेब खाऊंगा और दूसरा घर ले जाऊंगा। भगवान की कृपा अगर हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगा। काकी, ये दुनिया भी बड़ी अजब गजब है, कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना, पेड़ उगा लेना। विनोद ने सेब खाए और उसके बीज अपने पास रख लिए। घर पहुंचने के बाद दूसरा सेब भी खाया और उसके बीज भी अपने पास रख लिए। उसने सेब के कई बीज लगाए, लेकिन एक पौधा तैयार होने लगा। वह देखते ही देखते बड़ा हो गया। विनोद उसे बार बार देखता और जितनी बार देखता उसे और बड़ा पाता था। कुछ ही दिनों में वह बड़ा पेड़ बन गया। बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे सेब लटकने लगे। काकी के द्वारा दिए गए सेब में ऐसा कमाल होगा, उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। विनोद बड़े बड़े लाल लाल सेब तोड़ने लगा, लेकिन बहुत देर के बाद भी सेब समाप्त ही नहीं हो रहे थे। सेब से कई बोरे भर गए। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। ये तो बहुत चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ है। मैंने जितने सेब तोड़े, प्रभु ने उतने सेब फिर से जोड़े। इसके फल तो कल्पतरु के फलों की तरह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी फल बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। विनोद के पास सेब के फलों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेच कर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। वह बूढ़ी काकी के पास गया। बूढ़ी काकी अपनी टोकरी में सेब रख रही थी। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगे। बेटा, यह क्या कह रहे हो? काकी, भगवान की कृपा से अब आपका यह बेटा कमाएगा और आप मजे से घर में भगवान की पूजा और भजन करेंगे। विनोद बूढ़ी काकी को अपने घर ले गया। उसने सेब से भरा हुआ अपना घर दिखाया तो वह चौंक गई। अरे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। बेटा, इतने सारे सेब कहां से आए? काकी, आपने मुझे जो जादुई सेब दिया था, यह उसी का कमाल है। मैंने उसके बीज लगा दिए और वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। आइए, मैं आपको वो पेड़ भी दिखाता हूँ। जब विनोद ने बूढ़ी काकी को वह सेब का पेड़ दिखाया तो आश्चर्य के कारण काकी कुछ बोल ही नहीं पाई। वह देखती रह गई। उसने आसमान की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। एक अनाथ को बूढ़ी काकी मिल गई और काकी को एक बेटा मिल गया। दोनों ने एक फलों की बहुत बड़ी दुकान बना ली और अच्छा सा घर बना लिया, गाड़ी ले ली। उसने एक सुंदर लड़की के साथ विवाह कर लिया। एक बार सेब की बगिया के जिस मालिक ने विनोद का अपमान किया था, उसने जब विनोद का जादुई सेब का पेड़ देखा तो ईर्ष्या से जल उठा। विनोद के बड़े और छोटे क्वालिटी के सेब के सामने उसके सेब फीके पड़ गए थे। उसका सेब कोई व्यापारी नहीं ले रहा था। वह गुस्से में आकर एक दिन रात में विनोद के सेब के पेड़ को आग लगाने लगा। उसने जैसे ही मशाल को पेड़ के पास ले जाना चाहा, वह बुझ गई और वहां से दूर उसकी ही बगिया के सेब के पेड़ जलने लगे। वह रोते हुए अपनी बगिया की तरफ भाग चला। विनोद का जादुई सेब का पेड़ फलों से लदने लगा।
और वह अपनी पत्नी और प्यारी बूढ़ी काकी के साथ बड़े ही आनंद के साथ रहने लगा।